आर्टिफिशियल स्वीटनर उन सभी जगह पे डाला जा रहा है जिसमें शुगर फ्री अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला गया है। हो सकता है एस्पार्टेम हो, ज़ैलिटॉल हो, जैसे कैंडीज, च्युइंगम, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, इन सब से लेके चाय में शक्कर, मिठाई में जिसमें कहते हैं शुगर फ्री मिठाई बन रही है उसमें, इस तरह से लेके कीटो डाइट आजकल सुन रहे होंगे वजन कम करने लोग इस्तेमाल करते हैं, जिम जाने वाले लोग जो शेक पीते हैं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है। इस तरह से ऐसी कोई जगह जहां शुगर को हटा के रिप्लेस करके कहा गया शुगर फ्री, तो मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला गया है। ज़ैलिटॉल जो कंपाउंड है उसको शुगर अल्कोहल भी कहा जाता है, और ये प्लेटलेट के चिपकने के कारण, अधिक चिपकने लगता है प्लेटलेट, क्लॉट बन गया। अब हार्ट की धमनियों में क्लॉट बन गया तो ब्लड सप्लाई बंद हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ब्रेन की धमनियों में क्लॉट बन गया तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो गया, जिसके कारण फालिस या लकवे की शिकायत आ गई। इस तरह से और भी जगह ये डैमेज कर सकता है, किडनी को ब्लॉक कर सकता है क्लॉट बना के, आँख में ब्लॉक कर सकता है तो आँख में कभी विजन का चला जाना, ये सब समस्या ये करता है। एक चीज़ और जान लें, एस्पार्टेम जो शुगर फ्री के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है उससे कैंसर का खतरा होता है, लिवर कैंसर का केस बढ़ता है। तो पहले तो आपको जागरूक होना है कि बीमारी क्या क्या हो सकती है, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी समस्या हो सकती है, और बचने के लिए क्या करना है। आप कैलोरी कॉन्शियस होने के कारण ये ना कर दें कि नो कैलोरी या शुगर फ्री के नाम पे कुछ भी आप खा लेंगे। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो थोड़ी बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में जो क्लासिकल गुड़ है या जो मीठा आप खाते हैं जो नेचुरल तरीके से आ रहा है वो आपके लिए बेहतर है। यस, रिस्ट्रिक्ट जरूर करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह के केमिकल प्रोडक्ट को लेने से आपके हेल्थ पे बुरा असर आएगा, इसमें दो मत नहीं है।